हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ ढेर सारी कहानियाँ। तो आज की कहानी का नाम है पति पत्नी और वो। तो एक बार एक परिवार था, उसमें पति और पत्नी की नई शादी हुई थी, नए जोड़े थे। सबको ऐसा लगता है कि शादी के बाद सिर्फ एक लड़की की ही दुनिया बदलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस लड़के की भी दुनिया पूरी तरह से बदलती है। शादी के दूसरे ही दिन लड़के की माँ ने कहा, सुनो अपनी पत्नी से कहो कि साड़ी पहने और मंदिर चले। उसकी बात सुनकर उसकी पति को बड़ा बुरा लग गया कि मुझे साड़ी वाड़ी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे ड्रेस में ही अच्छा लगता है। उसकी बात सुनकर उसके पति ने कहा, ठीक है मैं माँ को समझाने की कोशिश करता हूँ। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ उसे साड़ी नहीं पसंद, पर उसकी माँ ने उसे जवाब दिया, नहीं जो हमारा कर्तव्य होता है, जो हमारी रीति रिवाज होते हैं वो तो निभाने ही पड़ेंगे, तुम अपनी पत्नी से जाकर कहो कि वो साड़ी पहने। इन दोनों माँ और बहू के बीच में वह बेचारा पति बुरी तरह से पिस गया। तब जाकर उसने अपनी पत्नी से विनती की कि सुनो मेरी माँ जो है वो इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रही है, तो मैं तुमसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम साड़ी पहन लो। और उसकी बात उसकी पत्नी ने मान ली और उसने साड़ी पहन ली। देखा दोस्तों, शादी के बाद लड़कियों के लिए भी उतना ही मुश्किल होता है निभाना।